नमस्कार दोस्तों, 24 टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं Redmi 5 की, जिसको काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद हमने बड़ी मुश्किल से ग्रैब किया है। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं Redmi 5 की, जिसको रिसेंटली ही Xiaomi ने इंडिया में लॉन्च किया है। तो देख लीजिए, फोन कुछ इस तरीके के रेड कलर के डिब्बे में आता है। यहाँ ऊपर की साइड लिखा हुआ है इंडिया नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड। यहाँ राइट साइड में MI का लोगो दिख जाएगा आपको। यहाँ नीचे लिखा हुआ है Redmi 5 बाय Xiaomi। अगर हम राइट साइड की बात करें तो यहाँ भी आपको Redmi 5 लिखा हुआ दिख जाएगा, लेफ्ट साइड में भी Redmi 5 लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। यहाँ ऊपर की तरफ आपको Amazon का स्टिकर मिल जाएगा और यहाँ नीचे की तरफ कुछ भी नहीं है। अगर हम बैक साइड में देखें तो यहाँ पे कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको 5.7 इंच का 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले मिल जाएगा। इस फोन के अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसका माइक्रोन साइज है 1.25, विच मीन्स कि ये लो लाइट में भी काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, आपको काफी अच्छी इमेज क्वालिटी देगा। अगर हम CPU की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 455 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाएगा, जो कि बना है 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे, विच मीन्स कि ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने के साथ साथ काफी अच्छा आपको बैटरी बैकअप भी देगा। और अगर हम बैटरी की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको 3300 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको एक दिन का तो बैकअप आराम से दे देगी। हमारे पास जो वेरिएंट है वो है गोल्ड कलर में 2GB 16GB वाला। इसके दो और वेरिएंट भी आते हैं, 3GB 32GB और 4GB 64GB। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको इसके IMEI नंबर और बारकोड देखने को मिल जाएगा। यहाँ राइट साइड में आपको बॉक्स कंटेंट दिए गए हैं। यहाँ नीचे की तरफ इसकी कुछ सर्टिफिकेशन इन्फॉर्मेशन दी गई है और यहाँ नीचे की तरफ लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, विच मीन्स कि ये फोन इंडिया में असेंबल हुआ है, इसको इंडिया में ही असेंबल किया गया है। यहाँ ऊपर की तरफ आपको एक सिक्योरिटी सील मिल जाएगी और यहाँ नीचे की तरफ भी आपको एक काफी बड़ी सिक्योरिटी सील दी गई है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस फोन की करते हैं अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग करने के लिए सबसे पहले हमें ये इसका प्लास्टिक का रैपर हटाना पड़ेगा। तो चलिए मैं इस प्लास्टिक के रैपर को काट देता हूँ। तो रैपर हमारा कट चुका है, तो चलिए इसकी पन्नी हटाते हैं। तो चलिए अब सिक्योरिटी सील काट देते हैं। ये देखिए सिक्योरिटी सील कट चुकी है और ये नीचे की तरफ भी जो सिक्योरिटी सील है उसको भी हमें काटना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी सील हमारी कट चुकी है, चलिए फोन को करते हैं ओपन। तो बॉक्स ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले मिल जाता है एक बैक कवर, जो कि ट्रांसपेरेंट कलर में मिलता है। क्योंकि हमारा फोन गोल्ड कलर में है तो हमें ट्रांसपेरेंट बैक कवर मिला है, जो कि एक सिलिकन कवर है, जो आपको MI.com से मिलता है, वही है, इसकी क्वालिटी ठीक ठाक से ही है। तो चलिए इसको अभी साइड में रखते हैं। उसके बाद हमें मिल जाएगा फोन, जो कि गोल्ड कलर में और काफी प्रीमियम फील हो रहा है, जो फर्स्ट इंप्रेशन है इसका। चलिए इसको भी रखते हैं साइड में। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन और कुछ यूजर गाइड्स मिल जाएंगी, जो कि वारंटी इन्फॉर्मेशन वगैरह कैरी करती हैं। तो चलिए इसको भी साइड में रखते हैं। उसके बाद आपको मिल जाएगा एक चार्जर, जो कि एक नॉर्मल सा चार्जर है, जो कि अनफॉर्चुनेटली फास्ट चार्जर नहीं है। Xiaomi अपने मोस्टली फोन के साथ नॉर्मल जो 5V 2A वाला चार्जर होता है वही देता है, तो ये भी कुछ उसी टाइप का चार्जर है। चलिए इसको भी साइड में रखते हैं। उसके बाद आपको मिल जाएगी माइक्रो USB केबल, जो कि आपको डेटा सिंकिंग और चार्जिंग के लिए हेल्प करेगी। उसके बाद आपको मिल जाएगा एक सिम इजेक्टर टूल, जिसको हम यहीं छोड़ देते हैं। इसके अलावा इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये है इस फोन के बॉक्स कंटेंट। एक आपको चार्जर मिल जाएगा, एक आपको USB केबल मिल जाएगी डेटा सिंकिंग और चार्जिंग के लिए, एक आपको सिलिकन का बैक कवर मिल जाएगा, कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगी और आपको एक सिम इजेक्टर पिन मिल जाएगी। इसके अलावा इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है। तो चलिए इन सबको रखते हैं साइड में और देखते हैं कि हमारा फोन कैसा है। तो दोस्तों अगर मैं फोन के इनिशियल इंप्रेशन की बात करूं तो काफी प्रीमियम फोन फील होता है, काफी लाइट वेट है, काफी कॉम्पैक्ट फोन है। अगर आप वन हैंडेड कोई फोन लेना चाहते हो जिसको आप एक हाथ से भी ऑपरेट कर सको, तो ये फोन उस कैटेगरी में एकदम फिट बैठता है। बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है, पीछे से ये Redmi Note 5 की तरह रिसेंबल करता है, उसी की तरह दिखता है। और अगर मैं फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं तो इस फोन के अंदर आपको राइट साइड में पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर देखने को मिल जाएंगे, जिनकी फीडबैक काफी टेक्टाइल है और ये मेटल से बने हुए हैं। इनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, आपको किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लगेगा कि ये लूज हैं या घटिया क्वालिटी के हैं, काफी अच्छी क्वालिटी की मेटल इसमें यूज की गई है। अगर मैं फोन के नीचे की तरफ बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा प्राइमरी माइक्रोफोन और स्पीकर ग्रिल। यहाँ सेंटर में आपको माइक्रो USB पोर्ट मिल जाएगा, जो डेटा सिंकिंग और चार्जिंग के लिए काम आएगा। फोन के राइट साइड में आपको सिम स्लॉट मिल जाएगी, जो कि मेरे ख्याल से हाइब्रिड है। चलिए देख लेते हैं, मुझे लगता है ये हाइब्रिड सिम स्लॉट ही है। जी हाँ दोस्तों, ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है और ये प्लास्टिक की बनी हुई है, ये मेटल की नहीं है, जो कि इजीली टूट भी सकती है, तो आपको इसको ऑपरेट करते हुए काफी प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी। फोन के ऊपर की तरफ आपको 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाएगा,
यहाँ राइट साइड में आपको मिल जाएगा सेकेंडरी माइक्रोफोन जो नॉइस कैंसिलेशन के लिए काम आता है, और यहाँ एक्सट्रीम राइट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा आयर ब्लास्टर जो कि एक रिमोट का काम भी करता है। अगर फोन के बैक साइड की बात करें तो ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, उसके नीचे आपको सिंगल टोन और सिंगल एलईडी फ्लैश मिल जाएगा, उसके नीचे आपको देखने को मिल जाएगा फिंगरप्रिंट स्कैनर, या नीचे की तरफ आपको एमआई की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी जिसके नीचे लिखा हुआ मेड इन इंडिया डिजाइन बाय Xiaomi। अगर हम बैक कवर की बात करें तो बैक कवर का ऊपर और नीचे वाला जो पोर्शन है वो प्लास्टिक का बना हुआ है और जो सेंटर वाला पोर्शन है वो मेटल का बना हुआ है। ऑल्दो देखने से आपको इतना फील नहीं होगा लेकिन ये ऊपर और नीचे वाला जो मटेरियल है वो प्लास्टिक है और सेंटर वाला मेटल का बना हुआ है। अगर हम फोन के फ्रंट साइड की बात करूँ तो इस फोन के अंदर आपको 5.7 इंच का 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला IPS पैनल देखने को मिल जाएगा। फोन के फ्रंट साइड में राइट में आपको देखने को मिल जाएगा 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, या सेंटर में आपको रिसीवर स्पीकर दिया गया है, उसके साइड में आपको एम्बियंट लाइट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखने को मिल जाएगा, और एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा सेल्फी फ्लैश जो कि इस फोन का हाईलाइटिंग फीचर है। ये फोन आपको सेल्फी फ्लैश के साथ मिलता है। तो दोस्तों ये था फोन का फिजिकल ओवरव्यू, तो चलिए फोन को बूट कर लेते हैं, और जब तक ये फोन बूट होता है तब तक मैं आपको इसकी एक डिटेल स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। तो दोस्तों फोन हमारा बूट हो चुका है और मैंने इसको इनिशियली सेटअप भी कर लिया है। तो दोस्तों फोन बूट होने के बाद जो सबसे पहली चीज आप इस फोन के बारे में नोटिस करेंगे वो है इसका 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले जो कि काफी वाइब्रेंट है, काफी अच्छे कलर प्रोड्यूस करता है और दिखने में भी काफी अच्छा लगता है। इवन इसकी ब्राइटनेस भी बहुत ज्यादा है। अगर मैं इसकी ब्राइटनेस आपको फुल करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि काफी ज्यादा ब्राइट है, आपको सनलाइट विजिबिलिटी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी अगर आप सनलाइट में भी इस फोन को देखेंगे तो आपको विजिबिलिटी काफी अच्छी दिखेगी, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो इस फोन के अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड वर्जन 7.1.2 देखने को मिल जाएगा जो कि रन होता है MIUI 9.2.3 पे, जो कि एक स्टेबल वर्जन है। और अगर मैं स्टोरेज की बात करूं तो आउट ऑफ 16 GB आपको 8.47 GB फ्री देखने को मिल जाएगा फर्स्ट बूट के बाद, और अगर मैं रैम की बात करें तो आउट ऑफ 2 GB आपको 821 MB फर्स्ट बूट के बाद फ्री मिल जाएगा, यानी लगभग लगभग 1 GB आपको फ्री रैम मिल जाती है फर्स्ट बूट के बाद। अगर आप इस पे ज्यादा एप्लीकेशन रन करेंगे तो रैम का क्या हाल होगा दैट आई डोंट नो। अगर मैं सॉफ्टवेयर इंटरफेस की बात करूं तो काफी फ्लूइड है, कहीं से भी आपको कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको MIUI के अंदर जो भी डिफॉल्ट एप्लीकेशन देखने को मिलती है वो सारी देखने को मिल जाएगी। अगर ब्लोटवेयर की बात करें तो ज्यादा ब्लोटवेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऑल्दो इसके अंदर Amazon, Facebook और Amazon वीडियो टाइप की जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है जिनको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। तो अगर ब्लोटवेयर की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको बहुत ज्यादा ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलेगा, ऑल्दो कुछ कुछ अनवांटेड एप्लीकेशन आपको हो सकता है कि लगे जिनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। और अगर मैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूं तो काफी स्मूथ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, काफी फ्लूइड डिजाइन है जो कि MIUI का नॉर्मल होता ही है, वैसा ही टिपिकल MIUI टाइप का डिजाइन है। टच रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है, देखिए कहीं से भी कोई लैग नहीं है। और अगर मैं फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करूं तो वो भी काफी फास्ट है, तो देखिए मैंने अभी लॉक किया तुरंत ओपन। हालांकि MI A1 और Redmi Note 5 Pro के जितना तो फास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इस रेंज में तो काफी फास्ट है और ये काफी रिस्पॉन्सिव है, कहीं से भी कोई मिस नहीं हो रहा, जब भी आप इसको टच करोगे तुरंत ओपन हो जाता है। हल्का सा जो स्क्रीन ऑन होती है उसमें टाइम लगता है, बाकी अनलॉक तुरंत हो जाता है। तो चलिए अब फोन की साउंड क्वालिटी चेक कर लेते हैं। साउंड क्वालिटी चेक करने के लिए मैं फोन के साउंड्स में जाता हूँ और उसमें हम चेक करते हैं कि डिफॉल्ट रिंगटोन का वॉल्यूम कितना है। तो अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूं तो स्पीकर काफी लाउड है, काफी क्लियर है, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका फोन किसी दूसरे कमरे में भी पड़ा है तब भी आपको रिंगटोन इजीली सुनाई दे जाएगी, इतना तो स्पीकर ये लाउड है ही। ऑल्दो इस सेगमेंट में लाउडेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी आपका काम तो चल ही जाएगा, आपको कहीं से भी कोई साउंड क्वालिटी में शिकायत नहीं आएगी। तो चलिए फोन का कैमरा चेक कर लेते हैं कि किस तरीके की परफॉर्मेंस है। इसके लिए मैं एक सैंपल पिक्चर ले लेता हूं। तो इंडिया नंबर वन स्मार्टफोन पे एक बार फोकस करते हैं। तो अगर मैं इमेज क्वालिटी की बात करूं तो इमेज क्वालिटी काफी शार्प लग रही है, काफी ठीक लग रही है। ऑल्दो ये स्टूडियो लाइटिंग की पिक्चर है तो उतनी आप क्वालिटी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इनिशियल इंप्रेशन तो ये लग रहा है कि इमेज क्वालिटी काफी शार्प है। लेकिन यहाँ पे मुझे कलर में थोड़ी सी ओवर सैचुरेशन लग रही है। अगर आप इस कलर को और इस कलर को देखोगे तो ये वाला कलर ज्यादा डार्क दिख रहा है जबकि ये वाला कलर थोड़ा सा नॉर्मल दिख रहा है एज कम्पेयर टू दिस कलर। तो इनिशियली आप कह सकते हो कि ये फोन कलर्स को थोड़ा सा ओवर सैचुरेट कर देता है, बाकी इसका एक डिटेल्ड रिव्यू हम अपनी आने वाली वीडियो में देखेंगे कि इसका कैमरा किस तरीके का परफॉर्म करता है रियल वर्ल्ड में।
बाकी दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इस फोन के अंदर आपको कोई भी फिजिकल नेविगेशन बटन नहीं दिए गए हैं। जो भी आपको नेविगेशन करना होगा वो आपको ऑन स्क्रीन बटन से ही करना होगा, जो कि मेरे ख्याल से अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि ये स्क्रीन का नीचे वाला स्पेस वर्चुअली वेस्ट कर देते हैं। आई डोंट नो Xiaomi ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि नीचे की साइड काफी सारी जगह बची हुई है जिसके अंदर ये फिजिकल नेविगेशन बटन डाल सकते थे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो Redmi नोट 5 की अनबॉक्सिंग के बारे में। अगर आप इस फोन का किसी और फोन के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हो या फिर इस फोन के बारे में कोई और भी जानकारी लेना चाहते हो तब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद है आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो आप इसको लाइक कीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आता तो आप इसको डिसलाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।